हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है एग्रीकल्चर कोर्सेज, जिसके अंदर बीएससी एग्री, बीटेक फूड और जितने भी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज है बीएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के, तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है देखेंगे। तो वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी, डायरेक्टली आप आ सकते हैं। उसके ऊपर बाद हमें यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है सबसे पहले। तो जैसे ही हम रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहला काम करना है अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर OTP आ सकता है, तो वो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन OTP के ऊपर क्लिक करना है, और जो भी 4 डिजिट का या OTP आ जाएगा वो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा OTP। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम में सिर्फ आपका जो आपका नाम है वो ही डालिए। लास्ट नेम में आपका सर नेम डालना है, आपके पेरेंट्स का नाम यहाँ पर नहीं फिलअप करना है आपको, ओके, फादर का। उसके बाद यहाँ पर जेंडर के अंदर जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ, ईयर दोनों ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर ओनली, ओके। तो यहाँ पर आप डॉट, कॉमा या एट द रेट यूज़ नहीं करेंगे पासवर्ड के अंदर, ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर आपको डॉट, कॉमा या एट द रेट कोई और सिंबल यूज़ करना नहीं है, सिर्फ नंबर और जो है तो अल्फ़ाबेट ही यूज़ करना है। उसके बाद सेम पासवर्ड नीचे डालना है, और यहाँ पर आपकी सिटी जो है वो डाल देना है। उसके बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पर भी टाइप कर देना है, और यहाँ पर आई हैव रीड कर देना है आपको, और रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है, रजिस्टर के ऊपर। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो डालना है फिर से आपको, और पासवर्ड आपको डाल देना है जो आपने अभी सेट किया था, या फिर आपके मोबाइल नंबर पर भी पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पर ये रीड कर लेना है आपको इंस्ट्रक्शन, रिकमेंडेड ब्राउज़र यूज़, लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एजेस, मोजिला या फिर क्रोम, ये तीनों में से कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन, ओके। जावा स्क्रिप्ट शुड बी इनेबल फॉर ब्राउज़र, ये जो है तो एप्लीकेशन के अंदर पॉपअप विंडो भी इनेबल करना है आपको। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, स्टेप्स फॉर ऑनलाइन, सेव योर फॉर्म और सबमिट आफ्टर कंप्लीटिंग फील्ड। उसके बाद पेमेंट करना है UPI से, और जो है तो डाउनलोड रिसिप्ट कंफर्मेशन पेमेंट, द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रीड प्रोस्पेक्टस, आप रीड कर लीजिए एक बार। उसके बाद यहाँ पर जो आई हैव चेक के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेटा है वो आपको टाइप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने MHT CET दिया है, तो MHT CET सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर नीट भी दिया है तो नीट भी कर सकते हैं, JEE भी दिए तो JEE भी कर सकते हैं, या फिर कोई एक ही दिया है आपने तो कोई एक ही सेलेक्ट कीजिए। फिर MHT CET के अंदर PCM या PCB दोनों में से जो भी आपने दिया है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या दोनों अगर आपने दिया है PCMB और PCB भी तो दोनों में आप फिलअप कर दीजिए आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पर आपका परसेंटाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप गेट डेटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करना है अपनी, मार्कशीट अपलोड कर दीजिए आपकी, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कुछ इस तरह का आएगा, आपका नेम यहाँ पर आ जाएगा गेट डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद। उसके बाद परसेंटाइल, कास्ट कैटेगरी आपकी आ जाएंगी, और यहाँ पर आप जो है तो सेव एंड प्रोसीड अहेड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेंगी, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पर आपके फादर का नेम आपको डालना है, और यहाँ पर लास्ट नेम भी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगी मेल फीमेल कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगी जो भी है आप। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है अपना, और मोबाइल नंबर आपको डालना है, यहाँ पर दो मोबाइल नंबर डालना है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, दोनों ही आप डालेंगे मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है तो अपना एड्रेस डालना है, कॉलोनी, हाउस नंबर जो भी है आपका। उसके बाद जो है तो यहाँ पर आपका मेजर लैंडमार्क डालना है, और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको पॉपअप विंडो में से।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर तालुका, सिटी, विलेज जो भी है आपका, और ये पिन कोड आपको डालना है कुछ इस तरह से। सिंपल है, बहुत ही काफ़ी इजी है, आप ये सारी चीज़ें इजीली अपने फ़ोन से या अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से आप फिलअप कर सकते हैं घर पर ही। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको जो पेरेंट्स इंफॉर्मेशन है वो डालना है, फादर का नाम, उसके बाद फादर्स मिडल नेम मतलब पिताजी का नाम मतलब आपके ग्रैंडफादर का नाम डालना है तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। जो भी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड स्टार है, ये रेड स्टार जिस पे भी लगा है, यहाँ पर भी रेड स्टार लगा है, तो ये कॉलम फिलअप करना आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पर रेड स्टार नहीं लगा है तो ये आप ऑप्शनल है, नहीं भी फिल करें तो चलेगा। ओके, तो यहाँ पर भी आप मदर का नेम डाल दीजिए, फुल नेम, उसके बाद यहाँ पर स्टार नहीं है तो ये नहीं भी फिल करें तो चलेगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड अहेड के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है तो आप अपना कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ मतलब महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट है तो यहाँ महाराष्ट्र ही सेलेक्ट करेंगे, और आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है तो ये उनके लिए है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा डोमिसाइल टाइप। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का रहेगा, अगर आपने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया है तो बाय बर्थ आपकी है या रेसिडेंसी है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर कैटेगरी जो है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रिसिप्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, मतलब रिसिप्ट नहीं होना आपकी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। उसके बाद अगर आपके इसमें से कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट है आपके मतलब पेरेंट्स फार्मर है, तो आप ये एग्रीकल्चरिस्ट का टैब सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर है तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो नन पे टिक कीजिए, और आगे आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो यहाँ पर आपको कास्ट डालना पड़ेगा आपकी। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है तो आपकी सब कास्ट अगर है तो वो डालिए, अदरवाइज ब्लैंक भी रहने दे तो चलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका नॉन क्रीमिलियर नहीं है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी और वीजेएनटी एसबीसी इनके लिए नॉन क्रीमिलियर को यस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद एम्प्लॉयड यहाँ पर अगर आप कुछ काम करते हैं तो यस कीजिए, और नो अगर स्टूडेंट ही है तो नॉट एम्प्लॉयड नो कर दीजिए। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट तो नो रहेगा यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई जम्मू और कश्मीर का माइग्रेंट है तो यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकल डिफ़ॉल्ट यस ही रहेगा। डू यू बिलोंग फ्रॉम माइनॉरिटी, जो मुस्लिम कैंडिडेट्स है या फिर जिसकी मदर टंग हिंदी है तो वो यस कर सकते हैं, अदर भी मदर टंग यहाँ पर दी जाएंगी यस करेंगे तो, आप चेक कर लीजिए आपकी जो भी मदर टंग है उसके हिसाब से पहले यस कीजिए, उसके बाद आपकी अगर मदर टंग है माइनॉरिटीज़ में तो आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना टेंथ का बोर्ड का सेलेक्ट करना है, मतलब कौन से बोर्ड से आपने किया है टेंथ, मैंने महाराष्ट्र बोर्ड का ही सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर आपको जो है तो परसेंटेज डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड मार्कशीट का ऑप्शन आएगा, SSC मार्कशीट, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगी, आपकी 1 MB से कम होना चाहिए, सॉरी 10 MB से कम होना चाहिए मार्कशीट, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF में। ओके, ये कंपलसरी है आपके लिए PDF फॉर्मेट में, और 1 MB 10 MB से कम होना चाहिए साइज़ उसकी, तो ये बहुत ही इजीली आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 12th का जो कॉलेज है उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तालुका भी सेलेक्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके 12th के कॉलेज की रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर 12th का आपका सीट नंबर आपको टाइप करना है, और स्ट्रीम साइंस से है या फिर आपने वोकेशनल भी सब्जेक्ट अगर लिए है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद पासिंग ईयर आपका 2022 मार्च रहेगा। ओके, जब रिज़ल्ट आया तब का नहीं, जब आपने एग्ज़ाम दिए तब का, आपके रिज़ल्ट पर भी, ओरिजिनल रिज़ल्ट पर भी ये रहता है तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है तो आपका
तो फ्रेंड्स यहाँ पर HSC के मार्क्स आपको डालना है नीचे, अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपका परसेंटेज आ जाएगा और यहाँ पर आपके जो टोटल मार्क्स है उसमें से आउट ऑफ मार्क आपको डालना है। ओके, तो ये सारा करने के बाद आपको जो है तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो इंग्लिश मार्क है इंग्लिश सब्जेक्ट में वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर फिज़िक्स के मार्क्स आपको डालना है आउट ऑफ 100। उसके बाद यहाँ पर जो है तो आपके केमिस्ट्री के मार्क्स रहेंगे आउट ऑफ 100 जितने भी है, और उसके बाद यहाँ पर मैथ के मार्क्स रहेंगे और बायोलॉजी के। अगर मैथ नहीं है आपका तो आप बायो के ही डालेंगे सिर्फ, या सिर्फ मैथ है तो सिर्फ मैथ के डालिए। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके है जो वोकेशनल आते हैं क्रॉप साइंस या इलेक्ट्रॉनिक साइंस के आपके, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, आप यहाँ पर उनके जो कोड्स है कोड्स आपके रिजल्ट पर रहेंगे, जो आपका 12th का मार्कशीट है उसके ऊपर उसका आपको कोड मिल जाएगा। जो भी कोड रहेगा वो सेलेक्ट कीजिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मतलब कितने अटेम्प्ट्स में आपने 12th पास आउट किया है ये आपको डालना है, तो यहाँ पर 1 अटेम्प्ट ही रहेगा अगर आपने 1 अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है तो। उसके बाद प्रोसीड अहेड करेंगे हम क्लिक। उसके बाद यहाँ पर वेटेजेस, तो ये आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। अगर आपके एग्रीकल्चरिस्ट है तो यहाँ पर आप 7 बार अपनी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास लैंड नहीं है, मतलब आप लेबर है आपके पेरेंट्स या कुछ और है जिसके पास कोई भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो उन्होंने ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक भूमिहीन नाम का सर्टिफिकेट आता है, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, तो वो आपको अपलोड करना है। उससे आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये एक आपको बेनिफिट होता है 12 पॉइंट्स का। उसके बाद NCC आपने किया है तो वो आप यहाँ पर यस कीजिए। NSS किया है तो ये आप यस कीजिए कोई भी एक। उसके बाद आपने अगर स्पोर्ट किया है, मतलब आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का, तो आपको उसके भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आपके इंक्रीज हो रहे हैं पॉइंट्स। ओके, तो इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर अदर भी बेनिफिट्स है जो एग्रीकल्चर साइंस है उनके कोर्सेस अगर आपने किए है सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर स्कूल, तो वो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो आप सेलेक्ट कीजिए जो भी सर्टिफिकेट है। उसके बाद प्रोसीड टू अहेड आप क्लिक करेंगे, सेव एंड प्रोसीड अहेड। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रेफरेंसेस का, मतलब यहाँ पर मेरी जो स्टूडेंट का फिलअप कर रहा हूँ, ये इसकी होम यूनिवर्सिटी है वसंतराव नाइक कृषि विद्यापीठ परभनी की। ओके, तो ये आपको यहाँ पर मैंने पहले सेलेक्ट किया है जो यूनिवर्सिटी आपको प्रेफरेंसेस डालना है जिस भी कोर्स के लिए। पहले यूनिवर्सिटी आपको नेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट के आपको कॉलेजेस चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कॉलेजेस के नेम सेलेक्ट करना है, तो इसे आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन जो है वो नीचे चला जाएगा और ये ऑप्शन फिर ऊपर आ जाएगा आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आप प्रेफरेंसेस डालिए। मैक्सिमम प्रेफरेंसेस आपको डालना है, मतलब 10-20 ऐसे प्रेफरेंसेस डालिए आपके अगर कम परसेंटाइल है तो। ओके, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड अहेड क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर आपको जो अपना है फोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो ये आप जो है तो PNG या JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रह गए हमारे जो, वो आपको यहाँ पर अपलोड करने को देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर डोमिसाइल अपलोड करना है तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं डोमिसाइल के लिए तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पर मुझे अपलोड अपने फाइल में से करना पड़ेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं उसी तरह से। उसके बाद जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है वो आप चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ पर व्यू पे क्लिक कर आपने जो करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड किए या नहीं, तो ये यहाँ पर व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको चेक करने को मिलेंगे। ओके, अगर कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको यहाँ से बैक आना पड़ेगा प्रीवियस टैब के ऊपर क्लिक कर
और वहाँ से आपने जो चेक किया है बॉक्स वो अनचेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जैसे कि लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिविंग सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पहले डॉक्यूमेंट, उसके बाद यहाँ पर अपलोड के ऊपर दबाएंगे तो अपलोड का ऑप्शन आएगा और आपका जो भी फोल्डर में है वो वहाँ से आपको सेलेक्ट कर अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्रीवियस सेक्शन में आपको जाकर आपके वहाँ से अनचेक करना पड़ेगा। ओके, तो अगर है सभी डॉक्यूमेंट्स तो आप अपलोड कर दीजिए, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो सिंपली आपके नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, तो यहाँ पर आप मेम्बर यूटिलाइजेशन ऑफ टॉयलेट, ये सारे बेसिक है, ये आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर यस कीजिए और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है आपको। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी पेमेंट रहेंगी वो पे करना है आपको, और यहाँ पर जो है तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपकी कैटेगरी वाइज पेमेंट वेरी हो सकती है 800 से 1000 के बीच, और यहाँ पर जो है तो आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और जो फॉर्म की प्रिंट है वो ले लेना है। ये आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे की प्रोसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।